अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के विभाग की ओर से वर्ल्ड वेटलैंड डे पर यूपी वर्ल्ड फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कीटम के सांस्कृतिक एवं ज्ञान वर्धक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न स्टॉल भी लगाई गई, जिनमें कई देशों की दुर्लभ डाक टिकटों से लेकर के कूड़े की खाद बनाने की विधि का प्रदर्शन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता ऊपर के साथ वर्ल्ड फेस्टिवल की एक झलक। जल के भंडार, पेड़ पौधे, अच्छा वातावरण, मैंने अपने गर्भ से सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि सब कुछ दे दिया, किंतु आज का ये मानव मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं ये नहीं सह सकती, नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश श्री गिरिराज सिंह चौहान जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री जी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री अनिल शर्मा जी, माननीय महोदय जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से यहाँ समय निकाला और यहाँ पर उपस्थित हुए, माननीय मंत्री जी को मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ, हमारा है कीटम झील, इसमें जो हमारा ये सुसरोवर सेंचुरी है 91 में ये डिक्लेयर हुआ था और इस महत्वता के साथ हुआ था। हमारा जो मेन उद्देश्य था, जो हमारा वेटलैंड है, सेंचुरी है, इसको डिक्लेयर किया गया था। ये लगभग 402 हेक्टेयर में है और 224 हेक्टेयर की इसके बीच में कीटम झील है, जिसमें प्रवासी पक्षी के अलावा जो हमारे बंद में जानकारी दें, साथ ही अपने अनुभव शेयर करने की कृपा करें। श्री पन्ना लाल, लगातार मैंने पक्षी की आवाज़ पर मैंने फोकस किया है, पक्षी की मैं आवाज़ आपको सुनाऊंगा। आप लोगों को ये देखना है कि वास्तव में ये पक्षी जैसा ये आवाज़ है या नहीं। तो मैं झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल की मैं आवाज़ आप लोगों को सुनाता हूँ। कोयल कि मैं उस स्थिति की आवाज़ निकालता हूँ जब वो खतरा होता है, मतलब जब जैसे दो मेल मेल जब जब टकराता है, वो खतरा का आवाज़ निकालता है। वो मार्च में जो आसियाना बनाने के लिए ये मतलब ये आवाज़ निकालता है, मैं उस स्थिति की मैं आवाज़ सुनाता हूँ। होने पर आवाज करता है। यही जब ये ब्रीडिंग का टाइम होता है, मेल कैसे अपना फीमेल को रिझाता है, मैं उस स्थिति के मैं आवाज आपको सुनाता हूं। यही जब खतरा होता है तो फिर कैसे आवाज करता है, कुरो को मैं आवाज में आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। सबसे लगातार आवाज करते रहता है। अब जो मैं दूसरा आवाज जो मैं निकालने जा रहा हूँ, नेशनल बर्ड पीकॉक है। पीकॉक की आवाज मैं चार तरह से निकालता हूँ। मैंने जिंदगी में जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने स्टडी किया, उसके दौरान जो मैंने पाया, मैं वही चीज़ आपको सामने शेयर करता हूँ। क्योंकि किताब में तो बहुत सारे लेखक लिखे हैं, बर्ड साइंटिस्ट भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने जो प्रवृत्ति मैंने पाया, जंगलों में जाके मैंने जो खोजा, मैं आप लोगों के सामने पिकॉक के बारे में बताऊँगा। उसके पहले मैं उनका उस स्थिति की आवाज़ निकालता हूँ। पिकॉक का जो ब्रीडिंग करता है मार्च में, वो मेल कैसे वो आवाज़ करता है, वो कहता है कि ये आसियाना हम यहाँ बनाएंगे, वो अपना अधिकार कैसे मांगता है दूसरे पिकॉक को, मैं उस स्थिति की मैं आपको आप लोगों को आवाज सुनाता हूँ। इस तरह से आवाज करता है, वो बच्चे को कहता है कि आप छिप जाइए, अभी यहाँ पर कोई खतरा है, चाहे वो लोमड़ी हो या आपका कोई भी, मतलब जिसे खतरा हो, जैसे आदमी है क्यों ना हो, जैसे अगर खतरा होता है तो ये आवाज करता है। और जब वही जब पिकॉक जब फिर से अपने बच्चे से जब मिलती है तो कैसे आवाज करती है, कैसे वो कहती है
कि हम यहाँ पर आ गए हैं, तो बच्चे क्या, बच्चे कैसे बोल, मतलब जो बच्चे जो है वो कैसे बोलते हैं, मैं बच्चे की आवाज सुनाता हूँ आप लोगों को। ये आवाज बहुत धीमे धीमे से ये आवाज निकालता है, बहुत धीमे धीमे से आवाज, ये सोन भी हल्का हल्का बढ़ाता है, उसके बाद फिर धीमे आवाज देगी उधर से, धन्यवाद दोस्तों। झारखंडिया जोहार, आप सबों को मेरा प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। It matters and promote the action to reverse this loss. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वन्य जीव क्षेत्र में निरंतर विभिन्न स्कूलों से आए जस्ट विंडो टू व्हाट वी डू टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ। कितने देशों के हैं इसमें? 333 देशों के लगा सकते हैं। 333 11,500 आगरा से 25 किलोमीटर दूर स्थित कीठम में आयोजित उत्तर प्रदेश बर्ड फेस्टिवल में जहां विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के द्वारा वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, तो वहीं साथ ही साथ इस बर्ड फेस्टिवल में कई तरह की स्टॉल्स भी लगाई गई हैं जो इन्हीं चीज़ों को दर्शाती हैं। हमारे साथ यहाँ पर बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की एक स्टॉल्स है जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि इस स्टॉल पर 333 देशों के लगभग 12,000 टिकट्स हैं और वो भी केवल पक्षियों के, और न केवल पक्षियों के बल्कि इनके पास और भी टिकट्स का भंडार है विभिन्न देशों की, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग जिस तरह से बर्ड फेस्टिवल में बर्ड की यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं डाक टिकट्स, इसी प्रकार से और भी इनके पास 5,00,000 टिकट्स हैं जो ये विभिन्न मौक़ों पर लगाते हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ कुछ संस्था के अधिकारी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम रवि खमेसरा है। रवि जी, आपने जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है डाक टिकट्स की, तो इसमें कितनी डाक टिकट्स हैं, कहाँ कहाँ की टिकट्स हैं, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे मैंने जो प्रदर्शनी लगाई है वो दरअसल मेरी प्रदर्शनी कम है, मेरी पत्नी की ज़्यादा है जी। उनकी प्रदर्शनी है और ये आपको। नमस्कार मैडम, क्या नाम है मैडम आप? पुष्पा खमेसरा। पुष्पा जी, कहाँ से आप? मैं उदयपुर राजस्थान से यहाँ आई हूँ। ये जो आपने डाक टिकट्स की प्रदर्शनी लगाई है, आपने यहाँ किस तरह की, कैसी डाक टिकट्स हैं और कितनी हैं? यहाँ पे मैंने लगभग 333 देश की 11,000 से अधिक डाक टिकटों का प्रदर्शन किया हुआ है, और सबसे पहली टिकट जो पक्षियों पर आधारित निकली है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से 1854 की, वो मैंने यहाँ नहीं लगाई है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, और उसके बाद मैंने 1871 की लगाई जो स्वान पे निकली है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद ग्वाटेमाला से भी निकली है। इंडिया में पहले इस टाइम सिम्बॉलिक 1954 में निकली है, उसके बाद 1968 पे निकली है, और अब तक इंडिया का योगदान 133 चित्रों का ही या चित्रों पर पक्षियों की है, स्टैम्प्स है, और बाकी वर्ल्ड वाइड 40,000 से अधिक डाक टिकट जारी हो चुके हैं पक्षियों पर। तो आपने इतना बड़ा यहाँ पर स्टॉक रखा है, मतलब केवल पक्षियों के 11,000 से ऊपर डाक टिकट्स हैं आपके 333 देशों के जैसे कि आपने बताया, तो इसको लेकर कुछ ऐसा नहीं विचार किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है या वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाए कुछ? हाँ सर, अब हम उसी मार्क पे चल रहे हैं कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड के उस पे एंटर करें हम, तो बस वो तैयारी हमारी जारी है, तो साल भर के अंदर आपको वो भी मिलेगा कि हमने गिनीज बुक में एंटर किया है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए, आप ये शौक जो आपने कर रखा है ये कब से आपने पाला और कैसे ये लगा? शौक सर बचपन से ही था, जब हम स्कूल जाते थे तो उस समय यही शौक हुआ करता था एक्सचेंज करना, और ये तो मुझे कहा जाता था कि भाई ये लड़कियों का शौक नहीं है, लड़कों का है, तो मैंने सोचा कि क्यों मैंने क्यों नहीं कर सकती, तो मैंने जारी रखा। फिर शादी हुई तो हस्बैंड का भी वही शौक था, तो हम दोनों का मिलके, तो हम कोई हमसे पूछ रहा है कि कितने साल का है, तो हम बोलते हैं 90 साल का कलेक्शन है, 45 मेरे और 45 मेरे हस्बैंड के हैं, तो और मेरे पास और मेरे हस्बैंड के पास 5,00,000 से अधिक स्टैम्प्स हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट स्टैम्प जो
1840 में निकली है ब्लैक पेनी, वो भी हमारे कलेक्शन में है। और इंडिया की फर्स्ट स्टैम्प है जो सिंध डाक है, वो भी हमारे कलेक्शन में है। तो कुल मिलाकर इस तरह के आप अलग अलग शहरों में जो आयोजन होते हैं उस पर ये अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं? जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग शहरों में, खास करके अगर बच्चे अगर इस चीज़ को देखें जो कि आज की ई दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है, तो मुझे बच्चों को जागरूक करना अच्छा लगता है। मेरे इस एग्जीबिशन को अगर चार बच्चे भी अगर मोटिवेट होते हैं या चार पेरेंट्स भी मोटिवेट होते हैं तो मेरे लिए काफ़ी है। क्या उद्देश्य है आज जिस तरह से ये पक्षियों को आपने दिखाया है? इसके दो उद्देश्य हैं, एक तो जो हम पक्षी संरक्षण की बात करते हैं तो मेरा माध्यम डाक टिकट से है, और एक डाक टिकट का भी संरक्षण चल रहा है। आगरा से इस बर्ड फेस्टिवल में काफ़ी लोग आए हुए हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख उद्योगपति रंजना बंसल जी, आइए उनसे बात करते हैं। रंजना जी, जिस तरह से यहाँ पर ये बर्ड फेस्टिवल लगाया गया और लोगों को पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब ये तो बहुत ही सुंदर आयोजन है और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, और इसमें इतनी अच्छी नॉलेज दी गई है जो मेरे को इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए वो नॉलेज नहीं थी, पक्षियों की, गंगा नमामि का, ये बायोडाइवर्सिटी के कौन से पेड़ लगाने चाहिए कौन से नहीं लगाने चाहिए, क्या हेरिटेज है हमारे उत्तर प्रदेश की, और कितनी जगह हैं जहाँ पानी की हम लोगों को टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो हमें नहीं मालूम थी। यहाँ देख कर पता चला कि यूपी गवर्नमेंट और हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी चीज़ें हैं, कैसे हम नेचर के नियर रह सकते हैं और कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं, और गवर्नमेंट कितना इसमें योगदान दे रही है वो यहीं आकर पता चला। तो इन ऑल इट इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम वेर यू कम टू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट योर हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट। यहाँ पर जिस तरह से अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, और यहाँ एक स्टॉल शायद आप गई नहीं है, एक 333 देशों के स्टाम्प्स हैं उसमें और लगाया गया यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के स्टॉल्स? देखिए, आज ये सब के स्टॉल्स इसलिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आज के यूथ को, हम जब छोटे थे तो ये सब स्टैम्प कलेक्शन एक बहुत बड़ी हॉबी होती थी। बटरफ्लाई, आजकल के बच्चों ने तो शायद बटरफ्लाई भी नहीं देखी होगी, इंसेक्ट्स भी नहीं देखे होंगे, ग्रास हॉपर भी नहीं देखे होंगे, कैटरपिलर भी नहीं देखे होंगे। हमने सब देखे थे क्योंकि उस समय पेड़ थे, हम लोग नेचर में रहते थे, क्योंकि हम लोगों के पास और डाइवर्जन नहीं था, ना टेलीविज़न का था, ना इधर खाने पीने का और इतना मूवीज़ का था। आज ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, और मेरे को तो लगता है सब स्कूलों को लाना चाहिए था यहाँ, उनको दिखाना चाहिए। बहुत लोगों ने तो तितली भी नहीं एक्चुअली देखी होगी, उनको ये भी नहीं पता होगा कि तितली कितनी ज़रूरी है, ये कैटरपिलर्स कितने ज़रूरी हैं, लोकल पेड़ कितने ज़रूरी हैं, एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए, लव फॉर नेचर। तो ऐसे में तो सब स्कूलों को आना चाहिए, और ये जो डिस्प्लेज हैं ये तो बहुत ही रेयर और बहुत अच्छे डिस्प्लेस करे गए हैं, दे आर रियली वंडरफुल। और आइए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राजीव सक्सेना जी, वो पूर्व पत्रकार भी हैं और इस समय पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लिए भी एक अपना योगदान कहीं ना कहीं दे रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज यहाँ बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले जानना जी? देखिए, जंगल और ज़मीन या जलाशय तभी तक सुरक्षित हैं जब तक उनका जनता से जुड़ाव रहे, ओनरशिप सेंस रहे। अब हमारे यहाँ जो सरकारी व्यवस्था जो होती है, हो रही है, उसमें फिर से कोशिश की जाने लगी है। इवन प्राइम मिनिस्टर भी गंगा के किनारे दौरा कर रहे हैं, उससे यही कोशिश कर रहे हैं कि जनता का जुड़ाव हो।
पर जो सरकारी सिस्टम ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसमें कहीं टिकट लगाते हैं, कहीं बाउंड्री खींचते हैं, तो लोगों का, स्थानीय लोगों का जुड़ाव नहीं होता है। अब बड़ी इन सेमिनार और इन सब की ज़रूरत ही नहीं रहती अगर आप जंगल और ज़मीन से, जलाशयों से, सरोवरों से जनता को दूर नहीं रखते। जरा सा कुछ छोटा सा काम करा देते हैं, टिकट लगा देते हैं। मैं इसको पसंद नहीं करता हूं। हम तो और इसको इतना महंगा कर दिया है। देखिए, अब कैमरे के बिना आजकल काम चलता नहीं, डिजिटलाइजेशन हो गया है, कैमरे पे टिकट, आप पैदल जा नहीं सकते ऐसी जगह, हर चीज़ पे टिकट। जब इतना अनअफोर्डेबल हो जाएगा तो आप को आयोजन ही करने पड़ेंगे, भाई आओ। अब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो मैं नहीं कहूँगा जनता को जुड़ाव के लिए, पर हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पब्लिक पार्क्स, ये पूरे यूपी में फ्री करने चाहिए, क्योंकि पब्लिक मेंटल स्ट्रेस दूर करने आती है। हमारे जो मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए ये जगह हैं, इन्हें मेंटेन करें। और हम लोग ऑलरेडी हर सर्विस का टैक्स देते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ जाते हैं, टॉल भी देते हैं। तो अब इन चीज़ों को टिकटिंग ना लग के कुछ स्ट्रेस फ्री जोन, एक तरीके से मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आजकल सबसे बड़ी समाज में दिक्कत है। एक तो ये है, दूसरा ये आयोजन बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के बारे में जब हम जानेंगे ही नहीं तो प्रोटेक्ट किसे करेंगे। आज हम शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 वगैरह की तो बात करते हैं, और व्हाट इज़ द शेड्यूल, ये कहाँ बने, क्या बने, हमें कभी सोचने को मजबूर नहीं होते हैं। पर इन आयोजनों में जब हम जाते हैं, विशेषज्ञों से चाहे अनजाए बहुत बातचीत करने का मौका मिलता है, तो ये आयोजन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से ये वेस्टर्न यूपी की वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी है। बस इसके लिए करिए बहुत कुछ अच्छा हो, पर ये ध्यान रख के करिए कि इसके आसपास का एरिया ऐसे लोगों का है जिनके लिए ये इसमें प्रवेश अनअफोर्डेबल ना हो जाए। जिस तरह से राजीव जी, ये आगरा एक पर्यटन सिटी है और यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं काफ़ी संख्या में, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद हम पर्यटकों को इससे नहीं जोड़ पा रहे हैं, इको टूरिज्म हमारा कमज़ोर है। देखिए, टूरिज्म एक शब्द है, टूरिज्म एक ट्रेड है। आप मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं, कभी किसी, हर चीज़ को टूरिज्म से, टूरिज्म एक इंडस्ट्री बन गई है। आतिथ्य, पहले तो आतिथ्य एक हमारी संस्कृति का अंग था, अब अपने जो खर्चा होता है उसे निकालने के लिए इसे अफोर्डेबल बनाइए। ये इको टूरिज्म अब उन लोगों के लिए जिन पर अपने वाहन हैं, जो कैमरे की कॉस्ट दे सकते हैं प्रवेश के लिए, हैं पर एड दे सकते हैं, बहुत महंगे महंगे आवास हैं इनके आसपास, तो कैसे बढ़ेगा आप बताइए। जब आप लोगों को आने देंगे, बैठने देंगे, आप कुछ चीज़ों की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनके तो टैक्स लगा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, चलिए रेवेन्यू आना चाहिए। पर अगर आप बहुत ज़्यादा टिकटिंग करेंगे, फिर आप क्वालिटी की बात करने लगते हैं कि क्वालिटी टूरिज्म होना, क्वालिटी गेस्ट आए, तो भैया ये बताओ, क्वालिटी विदेशियों की अगर सेवा के लिए तुम कर रहे हो तो फिर देश की आज़ादी का क्या मतलब है। आम आदमी के लिए भी सोचिए, या सरकार आम आदमी के लिए चुनती है, ये पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे में क्यों नहीं डालती हैं कि हम केवल विदेशियों को ही टूरिज्म कराएंगे, हैं उस समय तो हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, हैं तो ये। और आज विदेश से भी भारतीयता को ही आप निपटा रहे हैं ना, आप कहते हैं NRI आएँ, हैं तो भैया आपको दोहरा मापदंड छोड़ के स्वच्छ मानसिकता से काम करना पड़ेगा। व्यापार अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर जनजीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इनसे जुड़ाव नहीं आम आदमी का जोड़ा है, तो आप कानून बनाते रहेंगे, उन कानूनों को कौन मानेगा। आप देख लीजिएगा, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो कोई कानून काम नहीं करता। मैं कुछ कहना इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, हमारे यहाँ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ जो चल रहा है, मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश से यात्राएं आती हैं जल जंगल ज़मीन की, आप उन्हें नहीं रोक पाते हैं, ये जन उन्माद है, आपको तय करना पड़ेगा, जन मूलभूत आवश्यकताएँ तय करनी पड़ेगी।
यहाँ आप देख सकते हैं एक और स्टॉल है जहाँ पर घर की जो सब्जियाँ होती हैं, बचे कुचे जो वेस्टेज होता है उसके द्वारा जो खाद कैसे बनाई जाए इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मीना महाजन। हाँ मीना जी, कहाँ से हैं आप? मैं ग्रीन हैंड से रिलेटेड हूँ और 7-8 मेंबर हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। हम ये गीले कचरे से खाद बनाने का काम करते हैं। हम सभी को ये बकेट्स देते हैं और हमारे ये नगर निगम के द्वारा जो बाल्टियाँ हैं हम ये भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे हम किचन के वेस्ट से कैसे खाद बनाई जाए इसके लिए हम सबको बताते हैं। क्या विधि है ये, क्या किस तरह से, जरा बताएंगे आप? ये बकेट ली हमने, इसमें ये रखा, इसमें हम जो घर की खाद होती है एक मुट्ठी खाद डालते हैं, ऊपर से हम ग्रीन वेस्ट डालते हैं। ये जो भी किचन वेस्ट है, छिलके हैं, चाय की पत्ती है, वो सब सब ग्रीन कचरा डालती हैं, फिर से एक मुट्ठी खाद डालते हैं, फिर से हम गीला कचरा डालते हैं। ऐसे करके 15 से 20 दिन हमारा ये प्रोसीजर चलता है। 15 से 20 दिन में हमारी ये बकेट पूरी हो जाती है। उसके बाद हम इसको, ये टैप दिया हुआ है हमने साइड में, टैप में से पानी निकलता है। हमने इसको हम फर्टिलाइज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी नाली चौक हो जाती है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाली में डाल देते चौक, उसमें तो नाली खुल जाती है। अगर हम 2 ढक्कन इसका लीचर और 1 बाल्टी पानी में डालें तो हमारे पौधों को फर्टिलाइज़र का काम करता है ये। इस तरह हमें इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं और हमें सबसे बड़े जो हमारी गंदगी है, जो घर के आगे गंदगियाँ पड़ी रहती है, हमें उससे छुटकारा मिलता है। तो क्या क्या इसमें मतलब डाल सकते हैं? इसमें डालना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 15 से 20 दिन में जब भी हमारा किचन वेस्ट से बाल्टी पूरी हो जाती है उसके हमने इसको डेली हिलाते रहना है। डेली हिलाने से वो जो है अप डाउन करेंगे तो वो एक खाद का रूप ले लेता है। खाद का रूप लेने के बाद हम इसको फिर इसको सुखाने, जब 15 से 20 दिन में बाल्टी भर जाती है तो फिर इसको हम सुखाने के लिए रख देते हैं। पूरी बोरी निकाल के और 8 दिन सुखा देनी है हमें, और सूखने के बाद ये पूरी आपकी नेचुरल कॉम्पोस्ट तैयार हो जाएगी जो कि आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। प्लस हम गौरैया को बचाने के लिए और चिड़ियों को बचाने के लिए ये नेचुरल नेस्ट तैयार कर रहे हैं और बहुत हम लोग काफ़ी टाइम से इसको सेल कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी देखते हैं कि सच में उसमें चिड़िया आ रही है कि नहीं। और मैंने कई जगह देखा भी कि इसमें चिड़िया आती हैं। और कहाँ पेड़ वगैरह पे लगाने के लिए? हाँ, पेड़ पे आप घर पे कहीं हैंग करिए और दाना पानी रखिए, चिड़िया ज़रूर आती है इसमें। और दूसरी, हम लोग ये कॉम्पोस्ट इंस्टॉल कराते हैं पार्क्स में। आप देख रहे हैं पार्क में हर जगह पत्तियां फैली होती हैं और माली डेली जला देता है उसको, कितना पोल्यूशन फैलता है सुबह सुबह। तो उसको पत्तियों को फेंकने की बजाय आप इसमें डंप करिए, बहुत बड़ा होता है, 5 फीट का होता है और 35 kg का होता है। हाँ, तो इसमें आप डंप करिए, पानी डालिए और उसको कंप्रेस करते जाइए, तो एक नेचर अपने आप ही उन पत्तियों की खाद बना देगा, वो कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, वो उसी पार्क में यूज़ हो जाता है। आपको बाहर से उस पार्क के लिए खाद नहीं लानी है। अगर इतना भी कोई नहीं कर सक रहा है कि ये पर्सनल ये नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हमारे पास सोसाइटीज़ और बिल्डिंग्स और होटल इंडस्ट्री के लिए ये एक डेमो है, ये देखिए। हाँ, ये डेमो है, इसको हम इंस्टॉल कराते हैं। आप अगर बड़े लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ डंप करना चाहते हैं, नेचुरल वेस्ट, या तो होटल इंडस्ट्री का जो वेस्ट निकलता है, खाना इतना बचता है, खाना इतना झूठन निकलता है, उसको इसमें डंप करिए और हिलाते रहिए और उसका लिचिट निकालते रहिए, तो वो ड्राई वेस्ट तैयार हो जाएगा। तो वो उसी जगह आपका पौधों के लिए, गार्डनिंग के लिए वो वेस्ट यूज़ हो सकता है, ना कि हम बाहर जो गंदगी फैलाने से अच्छा हम उसी कचड़े को जो हम यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, वो अपने लेवल पर रिसाइकिल करें। यहाँ पर ये जो कंपोस्ट इन्होंने बताया है कंपोस्ट बनाने की, जिसमें ज़्यादा कूड़ा अगर हो तो इसके ज़रिए, इस मशीन के ज़रिए कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। इसमें गीला कूड़ा डाला जाता है, उसके हिसाब से फिर उसको खाद डालकर मिक्स किया जाता है, जैसे मैडम ने बताया उसी विधि के अनुसार इसमें इस गीले कूड़े से खाद बनाई जा सकती है। अगर होटल की बात करें, अगर किसी दुकान की बात करें जहाँ ज़्यादा गीला वेस्ट निकलता है, वहाँ ये काम कर सकता है।
धन्यवाद। हिमांशी लाक्षवानी सिम सिंह सिम स्किल स्कूल। संजय श्रीवास्तव मनीष मित्तल प्रभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा। श्री पन्ना लाल जी को